प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये तीन शब्द सुनते ही हमारे दिल में एक हलचल सी मच जाती है। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। कहते हैं एक ऐसा नशा है जिसे हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब यही प्यार आपको अंधेरे में धकेल दे, जब वही इंसान जिसके लिए आपने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी है आपको अकेला छोड़ दे, तब कौन आता है आपको इस अंधेरे से बाहर निकालने। सोचिए जरा, जब आप टूट चुके होते हैं, हर उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, तब कौन है जो आपकी जिंदगी में रोशनी बनकर आता है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देगी आज की ये कहानी, जो कोई किताबी कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके मेरे हमारे बीच से ही किसी की एक सच्ची कहानी है, अ ट्रू स्टोरी, और शायद आपकी भी हो सकती है। क्योंकि आज की इस कहानी में हम बात करेंगे आज के उस दौर की, जब प्यार का नशा बर्बादी में बदल जाता है, रिश्ते मजाक बनकर टूटने लगते हैं और हम खुद को खोने लगते हैं, तब कौन हमें जीना सिखाता है। हम जानेंगे आज की इस कहानी में, और मैं वादा करती हूँ कि इस कहानी में आप अपने आप को कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाली कहानी है। सो हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर, मैं हूं आपके साथ श्रेया। बिना देरी किए आज की ये कहानी शुरू करते हैं और खुद को एक्सप्लोर करते हैं। आज की ये कहानी है राहुल की, एक मिडिल क्लास लड़का जो हमेशा से बड़े सपने देखता था। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की और विदेश का रास्ता चुना, क्योंकि उसे लगता था कि वहीं उसकी जिंदगी बदल सकती है। और सही मायने में सब कुछ वैसा ही हो रहा था। उसने विदेश जाकर नए दोस्त बनाए, नई दुनिया को जाना और हर पल अपनी जिंदगी को एंजॉय किया। वो बहुत खुश था, जैसा उसने हमेशा से सोचा था। बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका, घूमना फिरना, मौज मस्ती, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर उसकी जिंदगी में आई एमिली, एक ऐसी लड़की जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। उसका प्यार राहुल के लिए एक जादू की तरह काम कर रहा था। हर सुबह एमिली के बिना अधूरी लगती थी, हर रात सिर्फ उसके ख्यालों में गुजरती थी। एमिली का प्यार अब उसकी जिंदगी बन चुका था, लेकिन एमिली के साथ वक्त बिताने की वजह से अब राहुल अपने दोस्तों को समय नहीं दे रहा था, मानो जैसे उन्हें इग्नोर ही कर रहा था। वो दोस्त जो उस अनजान देश में उसके सबसे बड़े सहारे थे, जिनके साथ वो हंसता खेलता और हर खुशी बांटता था, अब राहुल के पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं बचा था। प्यार में राहुल इतना खो गया था कि उसने अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संगा संजायते कामा कामात क्रोधामी जायते, यानी कि संगति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाएं कष्ट का कारण बनती हैं। वही राहुल के साथ भी होने वाला था, क्योंकि उसकी अब हर ख्वाहिश, हर इच्छा एमिली तक सीमित हो गई थी, और उसकी इसी इच्छा की वजह से अब उसकी जिंदगी एक गहरे जाल में फंसने वाली थी। क्योंकि फिर वो दिन आया जब एमिली ने राहुल से कहा, राहुल इट्स ओवर, वी नीड टू ब्रेक अप। इन शब्दों ने राहुल की पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ किया, सब कुछ छोड़ा, वही अब उसे अकेला छोड़ चुका था। राहुल टूट चुका था, बिखर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके सपने, उसकी खुशियां, उसके अपने दोस्त, सब कुछ उससे दूर हो चुके थे। वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा और उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन जब आपका सबसे बुरा वक्त चल रहा होता है, तभी आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके साथ खड़े रहते हैं। वही हुआ राहुल के साथ, जब उसके पुराने दोस्त जिसे उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था, अब उसकी जिंदगी में फिर से लौट आए। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त किस तरह से प्यार में धोखा खाकर इतना अंधकार में खो गया है। उन्होंने ठान लिया उसी वक्त कि वो अपने दोस्त को उस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। श्रीमद् भगवद् गीता में श्री कृष्ण फिर ये कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, यानी कि जो अच्छे कर्म करता है उसे कभी बुरा परिणाम नहीं मिलता। यही बात यहाँ भी सिद्ध होती है, क्योंकि राहुल का प्यार सच्चा था, उसके कर्म अच्छे थे, इसीलिए ईश्वर किसी ना किसी रूप में उसके सामने उसकी मदद के लिए आने वाला था, और वो मदद उसे उसके अपने
दोस्तों से मिली। राहुल के दोस्त जिन्होंने उसे ये सिखाया कि असली रिश्ते वही होते हैं जो आपको कभी गिरने नहीं देते हैं। उन्होंने राहुल को संभाला, उसे फिर से हंसना सिखाया और उसके सपनों की ओर वापस लौटने का रास्ता उसे दिखाया। राहुल ने भी खुद को फिर से खड़ा किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। राहुल की ये कहानी हम सबको ये सिखाती है कि प्यार में खो जाना अच्छी बात है, लेकिन इतना खो जाना कि खुद को भी खो दो कभी भी सही नहीं होता। रिश्ते बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन उनका मजाक मत बनाइए, क्योंकि अपने आप को, अपने सपनों को और अपने दोस्तों को खोकर प्यार करना कभी भी सही नहीं है, क्योंकि आपके वही सच्चे रिश्ते आपको हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में इस वक्त खड़े हैं जहां प्यार ने आपको अकेला छोड़ दिया है, तो अपने दोस्तों को याद कीजिए, वही हैं जो आपको फिर से खुशियां दे सकते हैं। और अगर इस कहानी से खुद को थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो कि वही आपकी असली ताकत है। हाँ, वन मोर थिंग, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके दोस्तों ने कब कब आपका साथ दिया है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को टैप करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। लव योर सेल्फ। राधे राधे।